दोस्तों ये है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक का सिलेंडर ब्लॉक किट। और इस सिलेंडर ब्लॉक किट को मैंने बोर कराया है। इससे पहले स्टैंडर्ड साइज था और इसमें मैं 25 नंबर का भी बोर कराया हूँ। पिस्टन डाला है हमने गोश कंपनी का, जो कि ज़्यादातर अभी गोश कंपनी ही सभी मिस्त्री लोग डालते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिलेंडर ब्लॉक किट का जो फिनिशिंग होता है बोरल का, वो किस तरीके से होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसे ये जो पिस्टन में सिलेंडर में डाल रहा हूँ, ये एक उंगली के सहारे से ये अंदर और बाहर होता है। यानी हल्की ताकत अगर लगाते हैं, हल्का ताकत लगाते हैं, तो फिर ये पिस्टन अंदर और बाहर होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, देखिए ये एक उंगली या दो उंगली के सहारे से हम हल्के हाथों से ही नीचे और ऊपर कर सकते हैं। इतना मेरा पिस्टन फ्री रहना चाहिए, यानी सिलेंडर इतना बोर रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा टाइट रहता है, आपको पेचकस के सहारे लेनी पड़े, ठोकने पड़े, तो फिर वो आपका ब्लॉक जल्दी से सिंच कर जाएगा, पिस्टन सिंच कर जाएगा। तो अगर इतना आप रखते हैं तो ये बाइक, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, कम से कम 30,000 पार कर जाएगी। जहाँ तक कि मैंने उम्मीद रखा है, जितने भी स्प्लेंडर बाइक का मैंने पिस्टन बोर कराया है सिलेंडर को, और पिस्टन इस तरीके से मैंने फिनिशिंग रखा है, इसका लमसम 27 से 30 हज़ार लमसम ये बाइक चली है। मैं आपको रिंग भी बताने जा रहा हूँ कि रिंग आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। अब तक कि मैं जैसे रिंग इंस्टॉल करते आ रहा हूँ, इसका भी फिनिशिंग और इसका रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब आया है। मेरे आँखों देखा हाल मेरे गाँव का ही अपना कस्टमर है, जो मैंने इससे पहले बनाया था, वो कम से कम 27,000 के बाद उसका इंजन में कंप्लेन आया, हल्का मोबिल इंजन का जो होता है वो घटने लगा। उसके बाद फिर दोबारा मैं उसका ब्लॉक किट चेंज किया, और ये अभी स्प्लेंडर प्लस बाइक का है ये भी। और मैं इसमें जिस तरीके से पिस्टन रिंग को लगाऊंगा, आप बिल्कुल इस तरीके से अगर लगाते हैं, तो गारंटी है हमारा कि बिल्कुल फुल सक्सेस होगी और अच्छी रिंग चलेगी। तो जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये पिस्टन, ये IN का जो निशान होता है दोस्तों, ये हमेशा ऊपर रहता है। पिस्टन, जिस पिस्टन में अगर कट का निशान ना हो तो ये IN ऊपर रहता है, और जिस पिस्टन में कट का निशान हो और IN निशान ना हो, तो वो बड़ा वाला कट वाला निशान वो ऊपर होता है, और छोटा वाला जो कट होता है वो नीचे होता है। तो सबसे पहले हमें इसका रिंग एक लॉक भी लगा लेना होता है। तो हम लॉक लगा लेंगे राइट साइड, जिस पिस्टन हमारा राइट साइड में लॉक लगाना है। और सबसे पहले हम इसके रिंग को चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब बोर करते हैं तो उस टाइम में रिंग चेक नहीं होता है, उस टाइम तो पिस्टन का फिनिशिंग देता है बोर वाला। और ज़रूरी नहीं होता है कि हम नया रिंग अगर लेते हैं तो नया रिंग हमारा ठीक ही निकलेगा, ख़राब भी निकल सकता है। तो देख सकते हैं ये रिंग, इसका रिंग का जो फिनिशिंग है एकदम लाजवाब, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी कसर नहीं है। अब मैं पतले वाले रिंग को भी चेक कर लेता हूँ, जबकि पतले वाले रिंग को भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। हमें ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा सिर्फ टॉप को ही चेक करना है, पतले वाले रिंग को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ऑयल जो पिस्टन रोकता है, जो छोड़ता है ऑयल, वो पतले वाले रिंग से छोड़ता है। अगर वो गलत हो जाए तो फिर दो नंबर सही रहने पर भी आप के बाइक का धुआँ बंद नहीं होगा। तो जैसा कि मैं इस रिंग को लगा रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, इसमें हम निशान भी डाल देंगे, अभी मार्कर हम लगा देंगे कि हमें इसके गैपिंग को हमें कहाँ कहाँ रखना होगा। बीच वाला जो रिंग होता है इसका, स्प्रिंग वाला, वो तो आप कहीं भी रख सकते हैं इसे, इसके लिए कोई भी जगह नहीं बनता है। लेकिन पतले वाले रिंग को हमेशा अपने हिसाब से रखना चाहिए। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखा है स्प्लेंडर बाइक का रिंग फिटिंग के बारे में, तो सेम मैं वही चीज़ इसमें भी फिटिंग कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो की भी आप देखना चाहते हैं कि इसका फिनिशिंग कैसा है, तो ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जी दोस्तों, मैं मार्कर से भी आपको दिखा दूँ, तो देखिए मैंने इस निशान पर रखा है, दोनों पतले वाले रिंग को मैंने इस निशान पे रखा है, और टॉप टू वाला जो रिंग होता है
जो ब्लैक वाला रिंग है ये ऑयल को कंट्रोल करने में ही मदद करता है ये। तो इसे हम हमेशा की तरह हम इसे नीचे वाले हिस्से में रखते हैं। साइलेंसर की तरफ हम इसका गैपिंग रखेंगे। और टॉप वन वाला जो है, जो स्टील कलर का होता है, जो बिना जिसमें पेंट नहीं होता है, ये बिल्कुल चिकने होता है, ये इसमें धार नहीं होती है। अगर टॉप वन टॉप टू अगर नहीं लिखा हुआ होता है तो कम से कम इस चीज़ को भी देख लिया करें कि जिसमें धार नहीं होती वो ऊपर होगा और जिसमें धार होता है वो बीच में होगा, उसके नीचे होगा टॉप टू में। तो ये हमने आयन के ऊपर रखा, यानी कि हम इस रिंग को ऊपर रखेंगे और जो ब्लैक वाला रिंग है उसे हम नीचे रखेंगे। दोस्तों अगर ये सेटिंग आपको गलत लगे तो हमें ज़रूर बताएं, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट हमारे जो काम का आया हुआ है वो ज़रूर हम उसी को बार बार फॉलो करते हैं, और हमारे उस्ताद भी ज़्यादातर वो भी इसी तरीके से लगाया करते थे। बहुत सारे भाई कहते हैं कि कंपनी की तरह रिंग फिटिंग करें, जी ये कहना गलत है। कोई किसी ने देखा नहीं कि कंपनी में किस तरीके से रिंग फिटिंग होता है, क्योंकि जिस टाइम हम हेड सिलेंडर खोलते हैं, ब्लॉक खोलते हैं, पिस्टन को देखते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि रिंग घूम जाता है, और जब हम नया लगाते हैं तो नया में नहीं घूमता है, लेकिन जब रिंग लूज होता है उस टाइम में घूमता है। तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम ये कंपनी की तरह सेटिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से आप अपने ब्लॉक किट का जो पिस्टन है उसमें रिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे बताए हुए चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर माशाल्लाह ये सक्सेस होगा। और भी कोई दूसरी अगर प्रॉब्लम होगी, हो सकता है धुआं बंदना हो, धुआं तो हेड से भी कभी बल्ब लीकेज करने से भी धुआं मार देता है, कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर ब्लॉक किट अगर सही से बोर ना हो तो उस टाइम में भी लीक कर इंजन ऑयल लीक करने लगता है, धुआँ मारने लगता है। उम्मीद है कि वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके आयन को निशान देख सकते हैं, ये आयन ऊपर होगा, सिलेंडर इसी तरीके से लगाया जाता है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।